कोल्ड क्रीम। इस वीडियो में हम बात करेंगे कोल्ड क्रीम के बारे में और उसकी फॉर्मुलेशन के बारे में। तो सबसे पहले बात आती है कोल्ड क्रीम होती क्या है। तो देखो, कोल्ड क्रीम इट इज़ अ वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन। आपको ये चीज़ याद रखनी है, ये वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन है, यानी कि वाटर डिस्पर्स्ड फेस है और ऑयल हमारा डिस्पर्स्ड मीडियम है। टाइप इमल्शन विच प्रोड्यूस कूलिंग इफेक्ट ड्यू टू स्लो इवेपोरेशन ऑफ वाटर। कि जो हमारी कोल्ड क्रीम है ये क्या करती है, ये हमारी कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करती है स्किन पे ड्यू टू स्लो इवेपोरेशन ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर इसमें डिस्पर्स्ड फेस है तो स्लोली इवेपोरेट होता रहता है। इसके बाद इट इज़ यूज्ड इन विंटर्स, और ये विंटर्स में ही यूज होती है। अब आगे बात करते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ कोल्ड क्रीम की। तो फॉर्मुलेशन ऑफ कोल्ड क्रीम यानी बनाने के लिए कोल्ड क्रीम को हमें ये पांच इंग्रेडिएंट्स चाहिए, ठीक है। इसमें सबसे पहला है वाइट बीस वैक्स, जो कि हमें 16% अमाउंट में चाहिए। लिक्विड पैराफिन 50% अमाउंट में चाहिए। तीसरा बोरेक्स, जो कि 0.8% अमाउंट में चाहिए। फोर्थ है प्यूरिफाइड वाटर, जो 33.2% अमाउंट में चाहिए। और फिफ्थ है परफ्यूम, जो कि QS यानी कि क्वांटिटी सफिशेंट, जितना आपको सफिशेंट लगे उतना अमाउंट में चाहिए। अब आगे बात करते हैं इसकी प्रिपरेशन के बारे में, कि हम इन इंग्रेडिएंट्स को लेके इसको प्रिपेयर कैसे करेंगे। तो देखो, बहुत सिंपल है कोल्ड क्रीम की प्रिपरेशन। अगर आप कोल्ड क्रीम की प्रिपरेशन देखेंगे तो ये बहुत ही इजी पड़ती है। हमें सबसे पहले करना क्या है, हमें वाइट बीस वैक्स और लिक्विड पैराफिन को लेना है और इन दोनों को आपस में मिला के हीट कर लेना है 70°C पे। आपको यहाँ पे याद रखना है, जो वाइट बीस वैक्स है और लिक्विड पैराफिन है, दोनों ही यहाँ पे ऑयल कंपोनेंट की तरह काम करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, हमारे पास एक मेल्टेड मास फॉर्म हो जाएगा। दूसरी तरफ हमें साइड में एक दूसरे बीकर में क्या करना है, दूसरे बीकर में हमें बोरेक्स प्लस में प्योरीफाइड वाटर इनको आपस में मिक्स कर लेना है, और क्या हो जाएगा, हमारे पास एक एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा। इधर हमारे तरफ हमारे पास एक ऑयली सॉल्यूशन है और इधर हमारे पास एक एक्वस सॉल्यूशन है। यहाँ पे जो ऑयली सॉल्यूशन है वो 70°C पर मेंटेन कर रखा है, यहाँ वाला सॉल्यूशन भी हमें थोड़ा सा वार्म कर लेना है। अब हमें क्या करना है, जो हमारे पास यहाँ पे ऑयली सॉल्यूशन है हमें इसको स्टिर करना है, ठीक है, जिसमें वाइट बीस वैक्स और लिक्विड पैराफिन मिले हुए हैं, इसको हमें स्टिर करना है यानी कि घुमाना है, और इसमें धीरे धीरे हमें एक्को सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना है, ठीक है। एक्को सॉल्यूशन क्या करना है, ड्रॉप बाय ड्रॉप हमारा ऑयली सॉल्यूशन में हमें डालना है, स्टिर करते हुए डालना है, ठीक है, घुमाते घुमाते डालना है, और क्या करना है, लास्ट में हमें इसको कूल कर लेना है, जो मास बनेगा उसको कूल कर लेना है, और लास्ट में हम ऐड करेंगे परफ्यूम। परफ्यूम को बिल्कुल ही लास्ट में ऐड करना है। तो इसके बाद हमारे पास क्या बन जाएगी, कोल्ड क्रीम। ये है हमारी प्रिपरेशन की टेक्निक, कि हमें कोल्ड क्रीम किस तरीके से प्रिपेयर करनी है।